अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस की। आज हमारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि इंसान किस टाइम एक टांग पे खड़ा होता है। कई इंसान तो दिन में कई बार खड़े होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो दो दो दिन भी एक टांग पे खड़ा होना पसंद ही नहीं करते। अगर आप इस बात सवाल का जवाब जानते हैं तो नीचे हमें बताएं कमेंट में, और हम जानते हैं आज यहाँ पे आए हुए लोगों से। वालेकुम सर, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। बताएं कि लड़कों में ज़्यादा कॉमन सेंस होता है या लड़कियों में? लड़कों में होता है। तो ये बताएं कि इंसान किस टाइम एक टांग पे खड़ा है? एक टांग पे जब सज़ा मिल रही है। ये कौन सी सज़ा? जब स्कूल में जाओ तो काम ना करो। स्कूल के बाद वाली बात है, अभी वाली आप अभी भी खड़े हो? अभी तो नहीं होते। होते हैं? कब होते हैं? अभी आप दिन में कई बार भी खड़े हो सकते हैं एक टांग पे। नहीं, अगर आप चाहें तो दो दिन भी ना हो। अच्छा, नहीं, हम तो एक दो टांगों पे ही खड़े होते हैं अभी। नहीं नहीं होते हैं, आप एक टांग पे खड़े होते हैं? नहीं पता कैसे नहीं होते हैं? नहीं पता है? नहीं पता। ऐसे क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि लड़कों में कॉमन सेंस ज़्यादा होता है। नहीं, हमें नहीं पता ना एक टांग पे कैसे खड़े होते हैं। खड़े हों पता चलेगा ना, खड़े हों कैसे होते नहीं, ये तो अभी खड़े हुए ना, लेकिन जब एक ज़रूरी काम होता है तब बंदा खड़ा होता है, तो वो कौन सा टाइम होता है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये औरतों में कॉमन सेंस ज़्यादा होता है या मर्दों में? मेरे ख्याल से मर्दों में ज़्यादा होता है। मर्दों में ज़्यादा होता है। तो ये बताएं कि इंसान किस टाइम एक टांग पर खड़ा होता है? मुश्किल हालात में मेरे ख्याल से। मुश्किल हालात कौन से? जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं हर बंदे पे। कौन से वाले? वो तफसील से। तफसील मेरे ख्याल से गुरबत में। गुरबत में? गुरबत में तो एक टांग पे बंदा नहीं खड़ा होता। आई डोंट नो। आप जितने भी भूखे हों ऐसे तो नहीं खड़े होते? ये बात है। तो फिर कैसे खड़े होते? मैं तो फिलहाल दोनों टांगों में खड़ा रहता हूँ। बंदे होते हैं ना कि कई जो है कि वो रोज़ाना एक टांग पे खड़े होते हैं, कई होते हैं एक दिन में कई बार खड़े होते हैं, कई तो खड़े ही नहीं होते। नहीं, ये है कि मैं दोनों टांगों पे खड़ा रहता हूँ एक टांग के। ऐसा मौका ही कभी मौका नहीं है। क्यों? पता नहीं, लगता तो नहीं है आप रोज़ाना खड़े होते हैं, मुझे तो ऐसे ही नज़र। नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ। आप होते हैं? नहीं सर। होते हैं? नहीं सर। कह रहा हूँ ना, आप आप जो भी कहें वो मानी तो नहीं जाएगी ना बात। नहीं, आप ना माने, लेकिन आपकी जो बॉडी है ये बता रही है कि आप एक टांग पे खड़े होते हैं। नहीं, बॉडी तो वैसे है ही, मतलब ऐसे ही है स्टार्टिंग से, लेकिन ये है कि एक टांग पे खड़े होने वाला कोई चक्कर नहीं। पता नहीं, पक्की बात? पक्की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत है। अच्छा, ये बताएं कि औरतों में ज़्यादा कॉमन सेंस होता है या मर्दों? मर्दों में ज़्यादा होता है। तो ये बताएं कि इंसान किस टाइम एक टांग पे खड़ा होता है? हम तो 24 घंटे तो खड़े रहते हैं। 24 घंटे तो आप दोनों टांगों पे होते हैं ना, एक टांग पे आप कब खड़े होते? जब टूटी होती खड़े होते। टूटी होती सब तो नहीं होते, सब लोग जो है दिन में किसी टाइम एक टाइम एक टांग पे खड़े होते हैं, वो कौन सा टाइम होता है, किस टाइम खड़े होते हैं? ये नहीं पता। नहीं बताएं? आप भी रोज़ खड़े होते हैं, आपको नहीं पता? मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो दोनों टांग। नहीं नहीं, दोनों पे नहीं, आप एक पे खड़े होते हैं, आपको नहीं पता किस पे किस टाइम खड़े होते हैं? ये कौन सी बात है? अभी आप कह रहे थे कि मर्द ज़्यादा कॉमन सेंस होते हैं, जहन वाले होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं। अभी सोच के बताएं ना कि किस टाइम आप खड़े होते हैं एक टांग टांग टांग। एक्सीडेंट जब हुआ दफ़े खड़े होते हैं? नहीं, एक्सीडेंट के अलावा आम लोग भी दिन में कई दफ़ा या एक दफ़ा भी जो है कि खड़े होते हैं एक टांग पे। जब थक जाते हैं फिर खड़े होते हैं। आप खड़े होके दिखाएं ना। खड़ा एक साइड में बैठ कर इस तरह खड़े हो जाते, खड़ा हो सकते हो? ऐसी तो बात नहीं है ना, बंदा एक स्पेशल काम के लिए जो लाजमी होता है उसके लिए खड़ा होता है एक टांग पे। एक टांग से कैसे खड़ा हो सकता है? आपको नहीं पता? आप रोज़ खड़े होते हो फिर भी आपको नहीं पता? वो तो अपने रोजगार के लिए खड़े रहते हैं। नहीं, एक टांग पे। एक टांग टांग पे तो नहीं खड़े होते, दोनों पे ही खड़े होते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि मर्द ज़्यादा कॉमन सेंस होते हैं या लड़कियाँ? लड़के, आजकल लड़कियाँ। फिर ये बताएं कि बंदा किस टाइम एक टांग पे खड़ा होता है? Oh, no. किस टाइम एक टांग पे खड़ा होता है?
आप थक गई हैं? नहीं। तो फिर वो थकने से नहीं, किसी किसी स्पेशल काम के लिए बंदा खड़ा होता है एक टांग? नहीं पता है। माजूर हो वो एक टांग पे खड़ा? माजूर नहीं, हर बंदा हर रोज एक टांग पे एक किसी मखसूस टाइम में खड़ा होता है। खड़ा होता है एक टाइम पे रोज? नहीं, आप तो अभी कह रही थी लड़कियां ज्यादा कॉमन सेंस होती हैं। होती हैं पर होती नहीं है। नहीं, हो सकते हैं जब चाहे तो फिर अभी खड़े हो एक टांग पे? होगा थकावट हो ना तो फिर बंदा एक टांग पे हो सकते हैं, एक टांग पे तो खड़े हो? नहीं, वो मखसूस टाइम होता है। नहीं, हम तो जब रोज कैसे हो सकता है? नहीं, कई लोग जो होते हैं ना दिन में कई दफ़ा एक टांग पे खड़े होते हैं, कई होते हैं कि एक टाइम ही खड़े होते हैं, कई होते हैं दो दो दिन भी नहीं खड़े होते। मजबूर ही होते हैं? नहीं नहीं, हर बंदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताएं, औरतें ज़्यादा कॉमन सेंस होती हैं या जेंट्स? ये कैसा सवाल है ना कि औरतों में ज़्यादा दिमाग होता है या मर्दों में? दोनों में बराबर। अच्छा, मतलब है कि आप किसी एक को नहीं कहेंगे कि उनका ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताएं कि बंदा किस टाइम एक टांग पे खड़ा होता है? एक टांग पे? नहीं पता। रोज खड़ा होता है? एक टांग पे तो नहीं खड़ा होता ना। होते हैं, सारे होते हैं। आप बताएं ना, मैं आपसे। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना कि एक टांग पे तो कोई नहीं खड़ा होता ना, आप भी खड़े हैं तो। नहीं, अभी नहीं, कोई एक मखसूस टाइम होता है जिस टाइम बंदा एक टांग पे खड़ा होता है। नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। होता है? फिर मुझे नहीं पता। आप भी आज एक टांग पे खड़ी हुई? ये भी मैं भी खड़ा हूँ, सब खड़े हुए हैं एक टांग पे? नहीं पता। नहीं पता है? अब आप बता दें इसका आंसर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं, औरतों में ज़्यादा कॉमन सेंस होता है या मर्दों में? मर्दों में ज़्यादा होता है। तो ये बताएं कि बंदा दिन में, इंसान किस टाइम या कौन सी हालत में एक टांग पे खड़ा होता है? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन करें। रोज़ाना की एक ही बात है? नहीं, मर्द ही होता है ज़ाहिर है। तो नहीं नहीं, लेडीज़ भी सब, मतलब है कि कई लोग तो होते हैं कि दो दो दिन भी नहीं खड़े होते, कई होते हैं दिन में कई दफ़ा एक टांग पे खड़े होते हैं, कई होते हैं एक दफ़ा खड़े होते हैं। जो मर्द है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो ज़्यादा मशक्क़त करता है। नहीं, मेहनत तो करता है, लेकिन वो जो मैं पूछ रहा हूँ कि एक टांग के किस टाइम बंदा खड़ा एक टाइम फिर तकरीबन कोई भी टाइम हो सकता है इसमें। कौन सा टाइम? सुबह का टाइम होता है। वो किस लिए बंदा खड़ा होता है? हर वक्त तफरा तफरी में होता है, जॉब के लिए जा रहा होता है। नहीं, वो एक टांग पे तो बंदा नहीं खड़ा? नहीं नहीं, एक टांग पे ही होता है सुबह। नहीं नहीं, एक टांग पे तो नहीं होते ना, जो एक्चुअल आप एक टांग पे खड़ा होते हैं वो कौन सा टाइम? वही सुबह का टाइम होता है मेरे मुताबिक। नहीं, सुबह का टाइम वो तो बंदा भागता दौड़ता है, खड़ा तो नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, सुबह का टाइम होता है। आपको नहीं पता है? बस मैंने बता दिया जो मेरी नॉलेज में था। नहीं, आपके नॉलेज में ये गलत है ना, आप बता रहे हैं ना कि मर्द ज़्यादा कॉमन सेंस होता है मर्दों में, तो फिर आप सही बताएं। नहीं नहीं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना। आप जो मतलब है कि सुबह इतनी भीड़ में रोले में भागना होता है, वो एक टांग पे बंदा खड़ा होता है? अरे वो का वो भाग रहा होता है बंदा, एक टांग पे तो नहीं खड़ा होता है ना? मुश्किल काम होता है ना? मुश्किल काम जरूर होता है, लेकिन एक टांग पे तो नहीं? नहीं, वही एक टांग होता है, मुश्किल वक्त होता है। ये तो आपकी जिद है ना? वो नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकता। नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है? नहीं, वो मैं तो यही बताऊँगा, सुबह का टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि औरतें ज़्यादा कॉमन सेंस वाली होती हैं या मर्द? मर्द होते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि वो कौन सा टाइम होता है जब इंसान एक टांग पे खड़ा? एक टांग पे मुर्गा बना हो? मुर्गा कैसे बना हो तो एक टांग पे बंदा खड़ा होता है? कपड़े जब चेंज कर रहा हो बंदा। कैसे? एक टांग जब आप पहले शलवार में या पैंट में डालते तो एक टांग पे खड़ा हो जाता है। जी नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का पहला बंदा है जिसने ये आंसर दिया है, इसका जवाब सही तरीके से जवाब दिया है। नाज़रीन, इसके लिए क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करके हमें बहुत मज़ा आया, लोगों से बहुत मज़े मज़े की गप्पे लगाई। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इन बातों से।